करगिल की कई चोटियों से पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़कर भारत ने यह तो साबित कर ही दिया है कि हमारे जांबाज सैनिकों के आगे पाकिस्तान के मंसूबों की कोई औकात नहीं। इस पूरे प्रकरण में भारत ने आर्थिक सुदृढ़ता का परचम लहराकर भी पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था के आगे पाकिस्तान को घुटने टेक नहीं होंगे। करगिल में चल रहे ऑपरेशन विजय पर अत्यधिक खर्च को देखते हुए भारत के रक्षा बजट को लेकर आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। पिछले कुछ सालों में रक्षा बजट में अल्प बढ़ोतरी को लेकर तत्कालीन सरकारों की आलोचना भी होती रही है। रक्षा विशेषज्ञों में भी इस बात को लेकर चिंता है। सब लोग जानते हैं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो सैनिक क्षेत्र के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, ये GDP के तुलने में बहुत ही कम है। इस साल यानी कि 99-2000 के लिए जो हमने एलोकेट किया है ये करीब 2.3% है हमारे पूरे GDP के। दरअसल पिछले कई सालों से हमारी रक्षा बजट में खास बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन ने रक्षा मद में खर्चे काफी बढ़ा दिए हैं। 1996-97 में भारत का रक्षा बजट कुल 29,505 करोड़ रुपए का था, जो 1997-98 में 35,277 करोड़ रुपए हो गया। 1998-99 में हमारा रक्षा खर्च 41,200 करोड़ रुपए हो गया, जबकि चालू वित्त वर्ष यानी 1999-2000 के लिए सरकार ने कुल 45,699 करोड़ रुपए के रक्षा खर्च का प्रस्ताव किया है। अर्थविदों की राय में हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हालत में है और पड़ोसी देशों के रक्षा खर्च में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमें भी रक्षा खर्च बढ़ा देना चाहिए। ये देखते हुए कि जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें GDP का एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा डिफेंस के बजट में लगाया जाता है, मुझे लगता है कि कम से कम हम लोग का एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर 2% अब GDP तो ज़रूर कर देना चाहिए। श्रीवास्तव कहते हैं कि खर्चों की प्राथमिकता को बदलते हुए हम ये काम आसानी से कर सकते हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कहीं से कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा। एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटीज़ है उसमें मार्जिनल चेंज करके ये संभव है। अब हम लोग कम से कम 16-17% जो है GDP का टैक्स के रूप में उठाते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी करीब 3% का है, तो उसमें से 2% डिफेंस के लिए निकालना 19-20% में से कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। मार्जिनल एडजस्टमेंट चाहिए प्रायोरिटीज़ में। पड़ोसी देशों से मिल रही नई चुनौतियों की रोशनी में इस समस्या पर फिर से सोच विचार करने की ज़रूरत महसूस की जाने लगी है। पिछले कुछ सालों में हमारा रक्षा बजट जरूर बढ़ा है, लेकिन भारत के आकार और हमारी रक्षा ज़रूरतों के मद्देनज़र यह बहुत कम है। पड़ोसी देशों के मुकाबले तो यह और भी कम है। करगिल समस्या ने हमारे नीति नियंताओं का ध्यान इस ओर खींचा है। संभव है आने वाले दिनों में सरकार इस समस्या को दूर करेगी।